कंटेंट की इतनी शॉर्टेज हो रही है कि बार बार बिग बॉस को पकड़ के पेलना पड़ रहा है। अब तो बिग बॉस ही बोल रहा होगा कि बस कर भाई, कितना पेलेगा। तो आज हम बिग बॉस में महेश तल्ले के बारे में बात करने वाले। हाँ भाई, गंदी बातें नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें पता है महेश तल्ले महेश भट्ट पूजा भट्ट के पापा है, जो उसकी हरकतों से लगता नहीं। ये आदमी इतना शरीफ है कि जब ये शीशे में खुद को देखता है तो साला ये खुद ही शर्मा जाता है। महेश तल्ले तुम सपनों में जितना नहीं सोते उतना तो ये लड़की के बाहों में सो जाता है। ये गाना महेश भट्ट के लिए नहीं, महेश भट्ट गाने के लिए बना है, एकदम परफेक्ट। तुम्हें लगता होगा कि इसके दिल में सिर्फ लड़की के लिए प्यार है, नहीं, लौंडो के लिए भी उतना ही प्यार है, क्योंकि आगे से लो या पीछे से लो, बस मजा आना चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और इसका दिल इतना बड़ा है कि ये सबको पकड़ के बस चुम्मियां देता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि महेश तल्ले बिग बॉस में करने क्या आया है, क्योंकि जैसे इसकी हरकत है ये देख के तो जिस मंत्री का ऑडिशन चल रहा है ऐसा लग रहा है। महेश तल्ले का उम्र भले ही 60 से ऊपर हो, पर शिलाजीत का प्रयोग भरपूर चल रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अबे बुढ़े बच्ची की जान ले क्या क्या, इतना आई कांटेक्ट तो कपल के बीच में नहीं होता जितना तू उसके साथ कर रहा है। नहीं, उसके आंखों में ऐसा क्या है जो तू इतना फोकस्ड करके देख रहा है? अगर ऐसा ही कुछ देर देखता रहा ना तो उस बिचारी को भी चश्मा चढ़ जाएगा। बस कर महेश दल्ले, उसकी आंखों में कोई शराब नहीं जो तुझे नशा चढ़ेगा। साइड में बेचारा अभिषेक अपनी हंसी को कितना कंट्रोल कर रहा है, अगर वो भी ऐसे कंट्रोल करता रहा ना तो उस बिचारे को भी बवासीर हो जाएगा। देखा अपने लापरवाही का नतीजा। और साला अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये दल्ले महेश बिग बॉस में करने क्या आया, कहीं ये भी सिस्टम करने तो नहीं। महेश दल्ले ने एक पूरी कहानी एल्विश को सुना दिया, ऐसे नहीं हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के। और साला हाथ तो ऐसे पकड़ रहा है जैसे हाथ ना हो के वो लंडे हो। अब तो मुझे ये लग रहा है कि जब से महेश दल्ले का सर रिया चक्रवर्ती के कंधों से गिरा, ये किसी दूसरे कंधे की तलाश में है। साला ये महेश दल्ले का जवानी खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने सुना था शिलाजीत भी एक उम्र तक ही काम करता है, पर इसका साला वायग्रा का नशा अलग ही चल रहा है। ये महेश दल्ले जो आई कांटेक्ट करता है, कसम से बता रहा हूँ मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आई कांटेक्ट आज तक कभी देखा ही नहीं है। महेश दल्ले और अविनाश, इनका जो आई कांटेक्ट चल रहा था भाई, चश्मा निकल के आंखों में आंखें डाल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आकांक्षा और जेड हडिड का सीन फिर से क्रिएट कर देंगे। तड़प ही ऐसी है ना। अरे भाई क्या सोच रहा था, कर देता, वैसे भी शो का टीआरपी गिर रहा था, थोड़ा ही सही महेश दल्ले का योगदान रहता शो में। देखो तुम्हारे अंदर वो बेसिक गुण तो है, चेहरे पे नमक है, देसी एक तुम्हारे अंदर एक महक है तुम्हारे अंदर। हाँ नमक है तो नींबू लगा के चाट ले। अरे क्या बात कर रहा है, नमक है चमक है। अबे तू बिग बॉस में आया है मसाले के मार्केट में नहीं, साला इसको मसाला हो या इंसान, बस टेस्ट करना है। तुम्हारा अंदाज अपना है, दांत वांस तो समझ में आता है कि सब दांत सब सब करते हैं, मगर उसके अलावा क्या है? उसके अलावा वो लड़की है जो तेरे हाथ नहीं आने वाली, भोसड़े के तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बुड्ढा है उसको मक्खन लगा रहा है। अबे महेश दल्ले इतना ठरक कहाँ से लाता है, अब तो बता दे, अब तो हम भी थक चुके हैं। मैं नहीं बताऊंगा। आई लव यू। अरे लॉर्ड रियली शी लॉस्ट अ पेट। ये रोई तो इसको फुटेज मिल गई। इसी को तुम पेट बोलो और उस पे चार लोग हंस रहे हो, ये सही सिस्टम है, मगर वहीं पर एल्विश भाई हंसी मजाक में किसी को कुछ भी बोले तो वो सबसे बड़ा गलत है, वो तो सलमान भाई वीकेंड का बार में पकड़ लेते हैं, क्योंकि शो में टीआरपी जो चाहिए। और क्या फुटेज की बात कौन कर रही है, जिया, जिसका पूरा सीजन का फुटेज बस अभिषेक और जेड के पास है, कभी इसके पास कभी उसके पास, और वो बात कर रही है फुटेज की। ये वो काली नाग है जिसको तुम साल भर दूध पिलाओ लेकिन फिर भी ये तुमको डसेगी ही। इनका ग्रुपिज्म ऐसा है कि ग्रुपिज्म बिल्कुल नहीं है, कौन किसको कब कहाँ कैसे डसेगा इनको खुद ही नहीं पता। और ये हर बार मनीषा को टारगेट करते हैं क्योंकि वो इमोशनली बहुत वीक है, तुम लोग ग्रुपिज्म करके एक बार टारगेट कर लेते एल्विश को, साला 2 मिनट में तुम लोगों का सिस्टम हैंग कर देता, क्योंकि तुम जितना भी कर लो रहना तो पड़ेगा तुम्हें सिस्टम के नीचे। अब मैं ये वीडियो यही एंड करता हूँ, और हाँ वोट करते रहो ताकि जियो सिनेमा हैंग हो जाए। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और तुम लोग चैनल पर नए आए हो वो जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पे कौन सा सिस्टम खींच के मारोगे मुझे नहीं पता, पर वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिस्टम खींच के मारो।